इसके ऊपर मसाला फिर लगेगा। घुसरी करके उतरेंगे देखिएगा ना। भाई मेरी चप्पल तो पा गया बच्चा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को जैकलिस पिंकी ब्लॉग्स में। तो आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने लाइफ में पूरा मस्त और हैप्पी और खुश होंगे। फुल सामने है बालूघाट, तो वहाँ पे अभी जाएंगे हम घूमने के लिए, तो आप लोग को दिखाएंगे ब्लॉग में। तो स्किप मत करिएगा ब्लॉग को, कंटिन्यू बने रहिएगा हम लोग को ब्लॉग में। तो चलिए अब चलते हैं ना, रिजल्ट बना तो चलिए चलेंगे हम अभी। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम कहाँ आ चुके हैं, इतना ऊपर कैसे चढ़े हैं, देखिए बालू में, बिल्कुल बालू ही बालू है यहाँ पे, पूरा बालू घाट है, बालू रखा हुआ है यहाँ पे। तो ऊपर चढ़ गए हैं हम आके एकदम, हाँ मजा आ रहा है, पर अकेले हैं इसलिए ज्यादा मजा नहीं है। ओए ओए, देखिए कैसे बालू ही बालू है इधर सब तरफ, पूरा इसमें पूरा बालू ही पैकिंग था दोस्तों पूरा, लेकिन वो ले लेके खत्म कर दिए, बस इतना ही बचा हुआ है। दौड़ दौड़ के आए तो पूरा थकान लग रहा है, मॉर्निंग वर्क। देखिए चारों तरफ पूरा साइड साइड बालू ही है और ये बीच में पूरा खाली कर दिया। यहाँ पे रील्स शूट करने दोस्तों बहुत मस्त लगेगा, आएंगे कभी पिंकी जी से। हम तो पहली बार आए हैं बालू घाट, इतना सामने है हम लोग का घर से, जस्ट सामने है, बस सामने थोड़ा सा दूर है स्कूल घर, यहाँ पे है, मतलब समझ रहे हैं कितना सामने, स्कूल घर का पीछे है जस्ट, वो जगह स्कूल घर है। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। तो यहाँ आ चुके तो बहुत ज्यादा खुजला रहा है, पता नहीं कैसे पूरा चाब रहा है, का सब्जी से लग रहा है, पूरा सूरज भी निकल चुका है देख सकते हैं पूरी तरह से, और बहुत ज्यादा चाप रहा है दोस्तों। क्या क्या सब चाप रहा है समझ में नहीं आ रहा है, अब चलेंगे घर। इतना भारी चाप रहा है, मच्छर दोस्तों बहुत ज्यादा मच्छर है, मच्छर चाप रहा है, एक ही दिन में तो मलेरिया पकड़ा देगा, इतना खुजला रहा है पूरा भयानक। तो दोस्तों चलिए आप चलते हैं घर के लिए, आज बाजार भी है, हाथी घोड़े बाजार है, यहाँ से घोसरी करके उतरेंगे देखिएगा ना। हाय मेरा चप्पल तो पा गया बच्चा, जिसे खेल रहा हूँ मजा आ गया, दोनों दनाए रहते थे और मजा आता। तो अब घर के लिए निकल रहे हैं, काफी मस्ती किए, खेल कूद किए और थोड़ा रील्स भी बना लिए, पूरा व्यू मस्त आ रहा था ऊपर से तो बना लिए एक आध, तो अकेले में मजा नहीं आया। तो अब हम चले घर, अभी टाइम भी ढेरे हो गया है, अभी नहा धोवा के फिर निकलना है दुकान के लिए, आज बाजार है तो आज बाजार का दिन है तो जल्दी खोलेंगे, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं देख सकते हैं, और ये पिंकी लोग क्या कर रही, पिंकी जी सब जगह, मम्मी यहाँ पे सूप बना रही है, आलू काट रही है, तो आलू भी आया है, ओह दादू है ना, पिंकी का दादू है, आपका भी, मेरा भी, देखिए आलू काट दिए यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से आज भी खुपड़ी लेके लाएंगे, देखिए मजा आता है खाने खुपड़ी, टेस्टी वाला, इतना बड़ा छत्ता ये रहा, इसको क्या छत्ता बोलते हैं, बाला चिरको खुखड़ी, बड़ा चिरको खुखड़ी है, ये तो बेसी मजा लगे, बालू खुखड़ी है बालू। देखिए दोस्तों आज मनीषा खुखड़ी सूप भुंजिया कर रही है, बना रही है, इसका पैर दर्द कर रहा है बोली, और आज नहीं गई स्कूल ना रे, मल्लिका चुन के लाई है, आज माँ गई थी तो माँ नहीं पाई, आज डेली डेली कहाँ मिलेगा। तो इसको खाली प्याज को भून ली है, प्याज ज्यादा लगाई है और इसको थोड़ा सा है। तो अब हम नहाने के लिए जा रहे हैं, दुकान जाएंगे, बहन नहा के आ चुकी है, मल्लिका गई थी नहाने, और रचना को उसका मम्मी प्याज रख दे रही है, चोटी बना रही है, देखिए किसे बनाते हैं चोटी ना रे, स्कूल जाएगी, संजय भी स्कूल जाएगा, हीरो बन रहा है। अच्छा सुपर नहा, अच्छा पढ़ेंगे बोलो, पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे बोलो, पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगी। दोस्तों हम दुकान जाने के लिए फाइनली रेडी हो चुके हैं, खाना पीना खा के एकदम मस्त हो चुके हैं। अब देखिए पिंकी जी सब वहाँ पे खड़ी है, घर माँ बना रही है, बांध रही है, बासन बनाई है उसको, सूप सबको बाजार जाएगी, और ये देखिए ये अभी तक झेपड़िए है, और हम पूरा एकदम फर्स्ट क्लास रेडी हो चुके हैं, हम नहाने अब दुकान जा रहे हैं बहन के साथ। तो चलिए अब चलते हैं दुकान, अब
अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:40 आसपास हो रहा होगा और मनीषा अभी खाना पका रही है, पसा रही है, कहे कि वो कल का ही खाना था, बासी खाना, उसके साथ खाएं, खुखड़ी से मजा आता है और आलू भुजिया था। देखिए यहाँ पर फिरोज भाई भैया हैं जो मुर्गा खरीदते हैं, धान उन लेते हैं, देसी मुर्गा देख सकते हैं कितना बड़ा है, एक कलर का है, रंगुआ बोलते हैं इसको, तो देखिए बैठल है और अभी रेट काफ़ी अच्छा है, सावन में भी बता रहे हैं आप लोगों को 350 रुपये किलो है अभी और रेट घट जाएगा बता रहे हैं एक दो दिन में, जो जो अगर बेचना चाहते हैं तो तुरंत ला के यहाँ पर दे दीजिए। यहाँ गोर्रा में है, यहाँ पर देख सकते हैं गोर्रा में लगाते हैं, फिरोज भैया लगा रहे हैं और इधर देखिए चावड़ी का कर रही है, चौमिन बना रही है, चौमिन खा रही है, छिप रही है, लजा रही है, देखिए मुर्गी का पैसा जोड़ कर पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मुर्गा का पेमेंट कर रहे हैं, ये पैसा गिन रहे हैं कितना हुआ, हाँ 930 रुपया। देखिए ये इनका मुर्गा था, इनको मिलेगा अभी 930 रुपया। तो कैसे लग रहा है आपको पैसा पकड़ने में? अजय, हाँ अजय, अजय डांग ना, अजय डांग लेके लाए थे 3 गो मुर्गा, इसको अभी 925 की 30 रुपया मिलेगा, 930 रुपया मिलेगा और अपने मतलब फैमिली के साथ चलेंगे बाजार और आराम से शॉपिंग वगैरह करके आएंगे। तो मुर्गा पालने का यही फायदा है गांव देहात में, फैमिली नहीं है आपने ओ, फैमिली नहीं है मतलब शादी उदी नहीं किया है दोस्तों, उतना मालूम नहीं था हमको। तो पिंकी जी बाजार चली, ऑटो में बैठल है, देखिए साइड में दिख रही है, बाजार जा रही है दोस्तों। देखिए अभी हम घर आ चुके हैं और पिंकी जी सब बाजार गई थी और का लेके लाई है रे बाजार से, रुगड़ा पुट्टू लेके लाई है माँ बाजार से, आज क्या बोलते हैं हटिंगोड़े बाजार था ना, तो लेके लाई है, तो उसका आप रेसिपी दिखाएंगे आप लोगों को कैसे बनाते हैं पुट्टू, कहाँ दिखा रहे। तो दोस्तों देखिए माँ बाजार से लेके लाई है पुट्टू, इतना सारा पुट्टू लेके लाई है, देख सकते हैं आप लोग, देखिए पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, धो धा के पूरा चिकन कर दी है। अब दिखाते हैं आप लोग को, ये सब बीच में कटा हुआ है दोस्तों, क्या इसमें मतलब क्या बोलेंगे रस करी सब घुसेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ये नॉनवेज बनाने वाले हैं, काहे कि अभी सावन चल रहा है तो हम लोग इसको क्या क्या मिला के बनाएंगे बता दो थोड़ा। आलू फिर पकौड़ी फिर पुट्टू, हाँ आलू पकौड़ी फिर पुट्टू, मज़ा आएगा दोस्तों, पूरा मज़ा आता है इसमें खाने में, एक दो बार पहले भी बनाए थे मतलब बीते साल, इस बार तो फर्स्ट टाइम पुट्टू खाएंगे ना पहली बार। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था शर्ट में और मोटा शर्ट था तो हम शर्ट गंजी पहन लिए, शर्ट चेंज कर लिए। तो देखिए अभी मसाला सब निकाल रही है उसको पकाने के लिए, कितना मिर्चा लगाएंगे बताइए। मिर्चा थोड़ा ध्यान से लगाना, कहे कि मिर्चा ज़्यादा झाल रहता है तो दोस्तों कैसे होता है, मिर्चा लहसुन ये सब अभी पीसेगी पूरा। तो देखिए दोस्तों पीसने शुरू कर दी है पिंकी, क्या क्या लगाई है, प्याज लहसुन और मिर्चा ना, और क्या है धनिया, धनिया सब है इधर, देख देख के भी मजा आ रहा है ना, ओ नो क्या मजा आ रहा है, मिक्सी से ज्यादा टेस्टी लगता है इसमें ना रे। देखिए टेस्टी कुछ अलग है, पूरा देसी तरीका से बनेगा आज रुगड़ा सब्जी, रुगड़ा का तूण। आलू छुड़ाओ जल्दी जल्दी, आलू छुड़ा रहे हैं, देखिए इसको डालेंगे ना आलू को भी, ये बाप रे इतना गर्म है, छोड़ा छोड़ा हम नहीं लगेंगे। सब रेडी हो चुका है, ये आलू और पकौड़ी है और यहाँ पे देखिए पुट्टू, और तेल गर्म हो चुका है अभी डालेगी ना रे, ये प्याज खाली डाल रही है काहे कि मिर्चा सब तो देखिए लाल हो गया है, अभी पुट्टू को डाल रही है, पूरा लाल होगा पुट्टू भी भुजा के उसके ऊपर से उसको डालेगी ना रे। कैसे दिख रहा है पूरा काला व्हाइट ना, आधा सब काला वाला है सब काला जैसे, तो पूरा लाल हो चुका है अभी, मस्त दिख रहा है ना रे पूरा लाल लाल, टेस्टी टेस्टी हो गया है ना, पूरा तेल है तो देखो पूरा फ्राई हो रहा है तेल से, आप ही डाले हैं सब तेल। हाँ तो का तेल जितना ज्यादा है उतना मस्त लगता है पूरा मस्त से पकाने से, देहाती तरीका। हाँ हाँ डालो डालो डालो, ये सबको भी डाल रही है अभी, डाल देते हैं इस सबको भी अभी, भूंज के इसके ऊपर मसाला फिर लगेगा।
अभी तेल ठीक होगा ना रे। तो दोस्तों पूरा भुंजा चुका है, देखिए एक टमाटर भी लगाई है, अब मसाला लगा रही है, देख सकते हैं इसको मसाला लगा के अभी पूरा मसाला को भी अच्छा से भूंज लेगी ना रे। और माँ लोग भी बोलती है ना कि गैस चूल्हा से ज़्यादा अच्छा लगता है, गैस चूल्हा का खाना सब थोड़ा ख़राब हो जाता है बोलती है ना। देखिए भुंजा गया पूरा, लखपट हो गया, पानी डाल रही है, पानी डाल थोड़ा इसको पानी को डबकने देंगे ना, उससे लटपटिया रहेगा, थोड़ा झोर झोर टाइप से ही रहेगा तो मजा आएगा। तो पानी डाल दी, अब इतना रहना चाहिए, उसको डालो कि पकौड़ी सब है सोक देगा पानी है ना आलू सब। मस्त बन गया ना, देखिए दोस्तों फाइनली पूरा बन के रेडी हो चुका है उतारने के लिए। आ रहा है, इतना स्वादिष्ट लग रहा है, महक रहा है, खाए तो नहीं है, मस्त बनाई है ना रे, यामी टेस्टी बनाए हैं बोल रही है। ओह नो, इधर देखिए पूरा चेहरा सब में पूरा पानी पानी हो गई पसीना से, और ये बन चुका है। तो दोस्तों देखिए फाइनली हम लोग पीजी से खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं, तो पूरा टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी, पूरा देसी तरीका से, जो क्या बोलते हैं आपका मसाला वगैरह सब हुआ सब देसी तरीका से, वो सिलेंडर में पीस पीस के बनाई है, तो इसीलिए ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, तो बहुत मस्त लग रहा है। दोस्तों कभी आप लोग भी बनाइएगा रुबड़ा पुट्टू तो इसे ही ट्राई करिएगा बनाने का, बहुत मस्त रेसिपी है और इसे में बहुत मज़ा भी आ रहा है खाने के लिए। सबको खा रही है, मम्मी लोग भी आपको दिखा देते हैं, देखिए सब कोई खा रहे हैं खाना, बहन लोग भी। और कैसे लगा मलिका सब्जी? टेस्टी भाभी जो बनाई है यार। अर्चना तुम खा खा रही है, तुम चिकन खा रही है? तो दोस्तों हम लोग खाना उना खा के एकदम बैठे हुए हैं, अभी रात हो चुका है 8:30-9 बज रहा है, और बहन लोग सब कोई सो चुकी है दोस्तों, और हम लोग पिंकी जी से बैठे हैं, और वो भी एक चेयर में दोनों बैठे हुए हैं, पिंकी का गोद में हम बैठे हैं ना रे। तो आज का सब्जी मजा आ गया खा के एकदम, रेसिपी ब्लॉग कैसे लगा आप लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा, और हम लोग का मस्ती ब्लॉग भी है, ये रेसिपी ब्लॉग भी है, तो जरूर बताइए कमेंट में कैसे लगा आप लोग को, है ना। और चैनल में है तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जरूर से जरूर चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टुडूंग पहुँच जाए आपके पास दोस्तों। तो मिलते हैं इसी कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय 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 बाय।